ये एक बहुत विचित्र प्रकार की जगह है, क्योंकि वो यहाँ आनंद में नहीं बैठे थे। एक परंपरा है कि जहां पर भी शिव एक खास अवधि के लिए रहे थे, उस जगह को हम कैलाश कहने लगे हैं। अगर हमें इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करनी हो तो इसके लिए बहुत ज्यादा काम करना होगा। अगर हम जीवन के इस आयाम से जुड़ जाएं, तो आनंद में जीना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी। ये एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा पर्वत है जिसने युगों युगों से अनेक ऋषि मुनियों को देखा है। इसे वेलंगिरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेलंगिरी का शाब्दिक अर्थ है सफेद पहाड़ या चांदी जैसा पहाड़, लेकिन यह पूरा हरा है। तो इसे वेलंगिरी पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि साल के लगभग 10 महीने इसकी चोटी हमेशा बादल में होती है और यह यहां से चांदी जैसा दिखता है। इसे चांदी पर्वत या सफेद पर्वत कहते हैं। तो यह पर्वत हमारे लिए सिर्फ पहाड़ नहीं है, मेरे लिए ये एक बहुत बड़े मंदिर की तरह है। ये एक अलग आयाम बिखेरता है। अगर आप इच्छुक हो तो ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी से कहीं ज्यादा है। इसने एक खास प्रकार की ऊर्जा और एक खास प्रकार के बोध को आत्मसात किया हुआ है। इसे यहाँ अमूमन दक्षिण के कैलाश के रूप में जाना जाता है। इसे दक्षिण का कैलाश इसलिए कहते हैं क्योंकि हुआ यूं, एक बहुत ही साहसी दक्षिण भारतीय महिला शिव के प्रेम में पड़ गई और उसने एक प्रण लिया, अगर मैं शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, उनके सिवा किसी और से नहीं। और वो उसमें लग गई। अपने करुणामयी स्वभाव के कारण वो नीचे आने लगे। लेकिन अन्य जीवों का एक पूरा समूह, दूसरे देव देवियां आकाशीय जीव नहीं चाहते थे कि उनकी दक्षिण भारतीय पत्नी हो, इसलिए उन सभी ने उन्हें रोकने के लिए बहुत सारी साजिशें रची, लेकिन यह काम नहीं आया। वे आने के लिए दृढ़ थे और वो उसने एक तारीख तय की, अगर आप इस तारीख से पहले नहीं आते हैं तो मैं अपना शरीर छोड़ रही हूं। इसलिए वो तेजी से आ रहे थे। उन्हें इस जगह पर सूर्योदय से पहले पहुंचना था और वे इसकी ओर अग्रसर थे, इसलिए देवताओं ने कपूर के एक विशाल टीले में आग लगाकर एक झूठा सूर्योदय रचा। उन्होंने एक झूठा सूर्योदय रचा और शिव को लगा कि सूर्योदय हो रहा है और उन्हें लगा कि वो विफल हो चुके हैं क्योंकि वे समय पर नहीं पहुंच पाए और वो शरीर छोड़ चुकी होगी। तो इस जगह के काफी करीब पहुंच चुके थे जिसे आज कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है, जहां वो खड़ी हुई और अपना शरीर छोड़ दिया। तो इसलिए इसे कहते हैं ये कन्या का मंदिर है। वो बस यहाँ खड़ी रही और अपना शरीर छोड़ दिया क्योंकि वे समय पर नहीं आए, लेकिन वे समय पर आ गए थे, वे काफी करीब आ गए थे, लेकिन उन्हें लगा कि वो विफल हो गए हैं। बस 22 किलोमीटर बाकी था, वो मुड़ गए और वो चली गई। वे इतने हताश थे, अपने आप से निराश, अपने आप से क्रोधित। वे आए और उन्हें बैठने के लिए एक जगह चाहिए थी, इसलिए वे वेलंगिरी पर्वत पर चले गए और वहां बैठ गए। एक बहुत विचित्र प्रकार की जगह है क्योंकि वे यहां आनंद में नहीं बैठे थे, वे यहां ध्यान में नहीं बैठे थे, वे यहां एक तरह की हताशा और अपने आप से क्रोधित होकर बैठे थे। So the energy up there is very, very, very different from anything you would have imagined. तो वहां की ऊर्जा आपकी कल्पना की गई किसी भी चीज से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि वे वहां एक समय तक रुके रहे और एक परंपरा रही है, जहां भी शिव एक खास अवधि के लिए रुके उस जगह को हम कैलाश कहने लगते हैं। तो ऐसे ये दक्षिण का कैलाश बन गया क्योंकि उन्होंने यहाँ कुछ समय बिताया और इस जगह पर एक विशेष ऊर्जा निवेश की। कितने ही योगियों ने इसका अनुसरण किया और सदियों से, हजारों सालों से साधु और ऋषियों का यहाँ एक इतिहास रहा है।
एक बहुत ही अनोखी प्रणाली का रहस्यवाद, जहां आमतौर पर उन्हें सिद्ध के नाम से जाना जाता है, या तमिल में उन्हें सिद्धर कहते हैं। दक्षिण भारतीय रहस्यवाद बहुत बहुत अनोखा है। आपको इस प्रकार का रहस्यवाद दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। तो इस परंपरा में कई आए, और एक योगी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है सद्गुरु श्री ब्रह्मा, जो 20वीं सदी की शुरुआत में रहे, और जब उन्हें शरीर छोड़ना था वो पहाड़ पर गए, वहां पर बैठे। और ये एक ऐसी अनोखी घटना है जो आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले कभी थी। वो सातों चक्रों से बाहर निकले, जो कि एक अत्यंत दुर्लभ घटना है, और आज भी वो जगह वैसी की वैसी है जैसे ही उस दिन थी। वो ऊर्जा, वो जगह बिल्कुल वैसी ही है। आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ये आपको बस हिला के रख देगी, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसी कुछ ही जगह हैं जहां पर इस तरह की घटना हुई है, जहां एक इंसान ने अपने सभी सातों चक्रों से शरीर छोड़ा हो, क्योंकि वो एक चक्रेश्वर हैं। वो जो अपने सातों चक्रों से निकल सके उसे चक्रेश्वर कहते हैं। शिवा एक चक्रेश्वर के रूप में जाने जाते थे, मत्स्येंद्रनाथ एक चक्रेश्वर के रूप में जाने जाते थे, गोरखनाथ चक्रेश्वर के रूप में जाने जाते थे, और कुछ अन्य योगियों को चक्रेश्वर के तौर पर जाना गया है। और इन कुछ हजार वर्षों में ऐसे केवल मुट्ठी भर ही हुए हैं। वहां ऊपर कोई मंदिर नहीं है, वहां सिर्फ तीन खड़ी चट्टाने हैं, बहुत बड़े, लगभग 25-30 फीट ऊंची चट्टाने, तीनों बस ऐसे खड़े हैं, और उस जगह के नीचे मंदिर है। वहां कोई बनाया हुआ मंदिर नहीं है, और हर साल लगभग 10 लाख लोग इस मौसम में वहां रात में ऊपर जाते हैं। हम इसे एक बड़े पैमाने पर खोलना चाहते हैं, केवल तीर्थ यात्रा के तौर पर ऊपर जाना नहीं, हम इसके साथ साधना जोड़ना चाहते हैं। देखिए, आप जो भी करना चाहें, अगर आप अपने आप को रूपांतरित करना चाहें, तो उसके लिए एक ऊर्जा आधार की जरूरत होगी, नहीं तो ये बहुत मुश्किल काम होगा। अगर हमें इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करनी हो तो इसके लिए बहुत ज्यादा काम करना होगा, बहुत ज्यादा। Here it's ready, sitting there. All you have to do is just look up and say Shiva. यहाँ ये तैयार रखा हुआ है, आपको बस ऊपर देखकर शिव कहना है, आपको बस ऊपर देखना है और इसके प्रति ग्रहणशील होना है, बस इतना ही। जब ऐसा ऊर्जा आधार उपलब्ध है, ये इस प्रकार की ऊर्जा है जो एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति का आधार हो सकती है जो पूरे देश और दुनिया में फैल जाए। ये खत्म होने वाला नहीं है, ये अक्षय है। इसे छूने के बाद आप खुद को स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक होने से नहीं रोक पाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि कैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, जहां लोग आ सकें और हम उन्हें जरूरी साधना दे सकें, और वे ऊपर जाने से पहले 40 से 48 दिनों की साधना से गुजरें। कोई सरल साधना जिसे हर कोई कर सकता है, और वो ऊपर जाकर इस ऊर्जा के आगोश में आ सकें, या कम से कम उस ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा ग्रहण कर सकें। शिवांग का मतलब होता है अंग बनना। आप जानते हैं अंग क्या होता है? शिव का एक अंग बनना। आप ऐसे भी शिव के एक अंग ही हैं, ठीक है। शिवा मतलब वो जो नहीं है, वो जो नहीं है वो ब्रह्मांड में सबसे अधिक रूप से मौजूद है। वो जो है एक छोटी सी घटना है। तो जब हम शिव कहते हैं तो हम वो जो नहीं है उसका जिक्र कर रहे हैं। वो जो नहीं है उसके विशाल शरीर के कुछ अंग हैं। एक आकाशगंगा हो सकता है, कोई एक तारा हो सकता है, एक सौर मंडल हो सकता है, एक ग्रह हो सकता है, कोई एक परमाणु हो सकता है, और कोई दूसरा आप हो सकते हैं। लेकिन ये सभी शिव के ही अंग हैं, है कि नहीं? क्योंकि सब कुछ शून्य से आया है। आप शिव के एक अंग हैं, लेकिन आप उस जागरूकता के बिना जी रहे हैं। तो साधना को इस तरह से बनाया गया है ताकि इसे आपकी जागरूकता में लाया जा सके। मानव अस्तित्व की प्रकृति ऐसी है कि जिसके बारे में आप जागरूक ना हो
वो आपके लिए मौजूद भी नहीं होता, है कि नहीं? तो लगभग 42 दिनों तक चलने वाली इस पूरी प्रक्रिया को बनाया गया है ताकि आप इस पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरें और उस अनुभव तक पहुंचे, इसे अपने जीवन में स्थापित कर सकें कि आप वास्तव में शिव के एक अंग हैं। केवल इसलिए कि आपको लगता है कि आप खुद में एक अस्तित्व हैं, आप अस्तित्व के एक अनोखे हिस्से हैं जो अपने आसपास ना किसी चीज से ना ही किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए दुख है, इसीलिए अकेलापन है, इसीलिए संघर्ष है, इसीलिए डर है कि नहीं? अगर आप सच में अलग हो जाएं तो आप मर जाएंगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपका अस्तित्व जुड़ाव के कारण ही संभव है, लेकिन ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आप इतनी अद्भुत चीज से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में जागरूक ना होना, उसे ना जानना, उसके आनंद को अनुभव ना करना, मुझे लगता है ये अपराध है। तो शिवांग उस अपराध से बचने के लिए है। अगर हम जीवन के इस आयाम से जुड़ जाएं, स्वास्थ्य, खुशहाली, समृद्धि, ये सारी चीजें होंगी और सबसे बढ़कर आनंद पूर्वक जीना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी, तो ये एक मूलभूत प्रक्रिया है जिसे आपके अंदर सही वातावरण बनाने के लिए स्थापित किया गया है। अगर आप धूप में जाते हैं तो हर कोई समान मात्रा में जीवन ग्रहण नहीं करता। अगर वे सांस लेते हैं तो हर कोई समान मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करता। अगर वे खाते हैं तो हर कोई समान मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि आपने अपने अंदर कैसा वातावरण बनाया है। तो शिवांग साधना उस माहौल को स्थापित करने के बारे में है ताकि आप जो कुछ भी करें, आपके पास एक मूलभूत आधार हो ताकि इस मंच पर सब कुछ खिल सके, या दूसरे शब्दों में आप अपने लिए एक आध्यात्मिक मंच बना रहे हैं ताकि आप इस पर जो कुछ भी करें वो अच्छे से काम करें।